जो एनआरसी को एनपीआर के चोर दरवाजे से लाने की कोशिश जारी है पहले भी जारी की गई थी अभी भी अंदरूनी तौर पर जारी है एनपीआर के चोर दरवाजे से एनआरसी लाने की मुहिम चलाई गई है आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इस मसौदे को पढ़िए और आवाज़ उठाइए कि भारत सरकार ने मसौदे को लागू करना चाहिए और एनआरसी कल लाना है तो आज लेकर लेकिन एनपीआर लाइए एनपीआर के दरवाजे से और एनआरसी लाइए एनआरसी के दरवाजे से ये डॉक्यूमेंट घर में रहना चाहिए, आ, आ, रहना चाहिए फाइल बना के इसका पीडीएफ जो है मौजूद है मस्कूर साहब से भी आप ले सकते हैं मुझसे भी ले सकते हैं हेलो दोस्तों इंडिया की न्यूज में आपका स्वागत है इस टाइम हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है स्माइल बाटली वाला जो मुंबई से दिल्ली आए हुए हैं स्माइल साहब क्या ये मुद्दा दोबारा से फिर उठने वाला है सी का जो आपको ये मसौदा बनाने की ज़रूरत पड़ी जी मस्कूर साहब पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और के वीवर का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इस बात को सुने सवाल आपका यह है कि एनआरसी मसौदा क्यों बनाया आपने साथियों पहली बात तो ये है कि एनआरसी हमारा मूलभूत अधिकार है कश्मीर से कन्याकुमारी तक चाहे जितने बच्चे हों जितने बूढ़े हों जितनी औरतें हों जितने लड़के लड़कियां हों जिस सबका मूलभूत अधिकार है ये इसलिए मसौदा बनाने की नौबत आई देखिए मस्कूर साहब हम ना विरोधियों के साथ रहे हैं और ना सपोर्टरों के साथ रहे हैं जो लोग विरोध कर रहे थे वो डर के मारे सड़कों पर बैठे थे उन्हें यह एहसास था कि भाई हमारा घर खाली करवा दिया जाएगा हमें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा हमारी नागरिकता छीन जाएगी ये डर का माहौल देश में पैदा किया सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर के ये डर पैदा किया गया इसलिए हमारी माँ बहनें बच्चों को लेकर के सड़कों पर उतरी ये उनका खौफ था लेकिन एनआरसी की वाकफियत नहीं थी उन्हें जानकारी नहीं थी बस डर की वजह से सड़कों पर वह उतर आए दूसरा जो भाग रहा है कि एनआरसी के सपोर्ट में एनआरसी के सपोर्ट में रहे हैं मेरा दावा है कि उनके उनको भी एन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो जब हम महसूस कर रहे थे कि दोनों ग्रुपों को जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी जानकारी नहीं है और जो विरोध कर रहे हैं उन्हें भी जानकारी नहीं है हमारे पास कोई मसौदा नहीं था कि हम विरोधियों के साथ जाएं या सपोर्टरों के साथ जाएं तो हमने अपने तरीके से जो हमने खोजबीन की ये बरसों की खोजबीन है और महीनों की लगातार मेहनत से ये मसौदा जो है आपके सामने आया हुआ है ये पहला पार्ट है जो सरकारी तंत्र को भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को गृह मंत्री को अपोजिशन लीडर को सारे केंद्रीय मंत्रालय को देश के सभी एमपी को राज्यसभा एमपी को सभी गवर्नरों को ये पोस्ट के जरिए ये भेजा गया है और 9 जनवरी को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के हाथ में ये मसौदा सौंपा गया है ये जो आप देख रहे हैं किताब की शक्ल में ये मसौदे का दूसरा पार्ट है ये पहले पार्ट के मसौदे को सरकारी तंत्र के लिए वो है जो हमने आपको बता दिया उनको भेजा गया है लेकिन ये जो सेकेंड पार्ट है इस ये अवमी तंत्र के लिए है आप सबके लिए है पूरे देश के लिए हर बच्चे के लिए ये मसौदा है जबकि पहले पार्ट भी इसमें शामिल है बिल्कुल गलत ही नहीं था गलत हो जाना एक अलग बात है जुल्म का तरीका था एन कानून हमारे पुरखों ने लाया है हमारे बुज़ुर्गों ने लाया है किन पुरखों ने किन बुज़ुर्गों ने जिन्होंने देश की आज़ादी की जंग लड़ी और उस जंग को जीता इस देश को आज़ाद कराया और आज़ाद होने के बाद इस देश की जो पहली बागडोर जिनके हाथ में आई थी जो हमारी पहली सरकार बनी थी एनआरसी कानून लाया हुआ उनका था इस मसौदे के अंदर हमने दोनों का खुलासा किया है लेकिन आपके वीवर को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए एनआरसी और एनपीआर नदी के दो पार्ट हैं ये दोनों मिल नहीं सकते एन अलग है एन अलग है एन जो है वो आपकी नागरिकता साबित करती है कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं और एन आपकी मौजूदगी साबित करती है कि आप यहाँ हैं या नहीं हैं समझे साहब दोनों में ये फर्क है और दोनों के दस्तूर में भी फ़र्क है लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कुछ बड़ गड़बड़ियाँ की गई हैं जो एन को एन के चोर दरवाजे से लाने की कोशिश जारी है पहले भी जारी की गई थी अभी भी अंदरूनी तौर पर जारी है एनपीआर एन पी आर के चोर दरवाजे से एन आर सी लाने की मुहिम चलाई गई है और इस तरह के फॉर्म भी बनाए गए हैं इस मसौदे के अंदर हमने दोनों को अलग अलग बताया है आपका स्वागत करते हैं एन आर सी लाने के लिए एन आर सी का फॉर्म भरवाइए और एन पी आर लाने के लिए एन पी एन पी आर का फॉर्म भरवाइए दोनों में फ़र्क है लेकिन अब ये फ़र्क क्या है और जुल्म किस पे हो सकता है अगर एन के चोर दरवाजे से एन लाया गया तो करोड़ों लोग उससे मुतासर होंगे करोड़ों लोगों को बेघर हो जाना पड़ेगा और करोड़ों लोग की जो नागरिकता है वो खतरे में आ जाएगी इसलिए हमने दोनों को अलग किया है और दो उसका हम विरोध कर रहे हैं कि आप एन भी लाइए और एन भी लाइए लेकिन एन लाइए एन के दरवाजे से और एन लाइए एन के दरवाजे से अगर आप मिक्स करके लाते हैं तो इसका हम विरोध करते हैं ये डॉक्यूमेंट घर में रहना चाहिए फ़ाइल बना के इसका पी जो है मौजूद है मस्कूर साहब से भी आप ले सकते हैं मुझसे भी ले सकते हैं इसकी पी मिल जाएगी आपको उसको प्रिंट निकाल के अपने घरों में रख लीजिए फाइल बना के ये आने वाली नस्लों के लिए भी ये दस्तावेज काम में आएगा जैसे कि सरकार कहती है एन के लिए पासपोर्ट जरूरी है तो सारे लोगों के पासपोर्ट नहीं है, तो जिनके पास पासपोर्ट है उनकी तो नागरिकता हो जाएगी और जिनके पास नहीं है तो उनका क्या होगा अगर सरकार कहती है कि नहीं आधार कार्ड नागरिकता के लिए तो बहुत बड़े तबके के ने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनाए हैं या पैन कार्ड नहीं बनाए हैं बहुत बड़े तबके के पास वोटिंग कार्ड नहीं है बहुत बड़े तबके के पास जो है राशन कार्ड नहीं है अगर फिर ये कहा जाता है कि भाई जिनके ज़मीन जायदाद के कागजात होंगे वो आधार हो जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन भी आज भी नहीं है दर 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 भटक रहे हैं कहीं रह लेते हैं तो इसका इलाज क्या मतलब ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी नागरिकता छिन जाएगी क्या उसका हमने सुझाव दिया है इसलिए इसमें अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट की हमने बात की है कि जिसके पास जो है बस सबूत इतना ही चाहिए कि वो भी जो भी डॉक्यूमेंट है अगर वो सरकारी डॉक्यूमेंट है और कोई भी हो उसकी मान्यता होनी चाहिए हर नागरिक के लिए काफ़ी आसानी होगी और सरकार के लिए भी आसानी होगी जी ये भी बहुत अहम सवाल है क्या सरकार मानेगी आ, सरकार यहाँ लोकतंत्र है अगर आप चाहते हैं कि ये मसौदा लागू होना चाहिए तो सरकार को मानना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि नहीं है मसौदा ठीक नहीं है नहीं लागू होना चाहिए तो सरकार नहीं मानेगी अब रही बात यह कि अवमी सतह पर इसकी डिमांड होती है आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इस मसौदे को पढ़िए और आवाज़ उठाइए कि भारत सरकार ने मसौदे को लागू करना चाहिए और एन कल लाना है तो आज लेकर आए लेकिन अफरा तफरी में नहीं इंसानियत को ध्यान में रख के हमदर्दी रख के देश के नागरिकों के साथ मोहब्बत का बर्ताव करते हुए एन लाना चाहिए और ये मसौदा आपके हाथ में आने तक इस इस शक्ल में इसको छः महीने लगे हैं दिनों रात की मेहनत से इसे बनाने के में छः महीने लग चुके हैं रही बात ये ये बनाए किसने हैं इतने बड़े देश भारत देश को 140 करोड़ का देश है उसको मसौदा देना ये बड़ी बात है जो कि किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी कागज़ पर असलम ने उतारा है एडिट करने का जो काम किया गया है शिव नारायण शर्मा जी हैं और डॉक्टर अफसर हैं इन्होंने इसको एडिटिंग करके इसको दुरुस्त किया है और इसका जो स्वरूप दिया है इसको देने वाली एक महिला है उनका नाम है सोनिका क्रांतिवीर टीम मिल करके के सारे लोगों ने मसौदा बनाया इकबाल वाला मुंबई से हैं और दिलीप सांगली ज़िले से हैं पूरी टीम हमारी जो है वहाँ के आसाम की वो उसमें लगी हुई थी आपके चैनल को ये भी बताए देता हूँ ये हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं हम एक वोटर की हैसियत से काम करते हैं लेकिन हमारा नेटवर्क पूरे देश में है इसीलिए हमारे लिए आसान हुआ आसाम में काम करना अगर 1955 में ये कानून बन गया उस समय एन लागू कर दी गई होती तो छोटी आबादी थी बहुत कम आबादी थी देश की आसा आसानी से एन हो गई होती मसलन मेरे दादा की एन हो गई होती अब जब मेरे दादा की एन हो गई होती तो मेरे पिताजी की एन हो गई होती अब मेरे पिताजी की एन हो गई होती तो मेरी हो गई होती अब मेरी हो जाती तो मेरी औलादें हो जाती यानी इसमें चार पीढ़ियाँ आ गई ना अब चार पीढ़ियों का गेप समझ लीजिए जो आबादी दस करोड़ की रही तो चालीस करोड़ हो गई तो मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द एन आर सी लाए लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एन आर सी लाने का डर और खौफ पैदा किया था मैं उनसे आह्वान करता हूँ उस डर खौफ निकालने की कोशिश करें ये सरकार की जिम्मेदारी है ये हमारे नागरिक हैं इनसे प्रेम से पेश आना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए मेरा एक नारा है एनआरसी के डर ने मारा अब इस डर को मार डालो